नमस्कार। जीवन कौशल से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानने बहुत आवश्यक है। जैसे अगर हम ये जानें कि जीवन कौशल का लक्ष्य क्या है, तो इतना याद रखिएगा कि सकारात्मक विचार जो होते हैं, सकारात्मकता जो लाइफ में होती है, लक्ष्य प्राप्ति उन्मुखता जो होती है, ज्ञान अभिवृत्ति एवं मूल्यों को वास्तविक दक्षताओं में जो परिवर्तन करने की बात होती है, वो सारे जीवन कौशल के लक्ष्य होते हैं। LSB की बात करें तो LSB है लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन। इसका इतिहास यह है कि 1986 में ओटावा चार्टर्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन स्वास्थ्य क्षेत्र में पहली बार आया यह नाम, और 1989 में कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड CRC में पहली बार इसे शिक्षा से जोड़ा गया। अगर पूछा जाए कि जीवन कौशल जो होता है WHO ने किस कौन कौन से प्रकार के बताए हैं, तो इसमें है आपके प्रमुख 10 प्रकार, स्वसंकल्पना, परानुभूति या समानुभूति, जटिल सोच, रचनात्मक सोच, निर्णयन, समस्या समाधान, प्रभावी संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संबंध, तनाव से मुकाबला, कॉपिंग विथ स्ट्रेस, कॉपिंग विथ इमोशन, संवेग या भावना से सामना करना। अगर इसके भागों की बात करें तो इसमें क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं, तो इसमें जो वास्तविक क्रियाएं होती हैं, प्रतिपुष्टि एवं प्रतिफल होता है, समेकन जो समेकित होता करना होता है, पुनर्बलन होता है, जीवन संघर्षों में वास्तविक अनुप्रयोग करना इसका प्रमुख भाग या कंपोनेंट होता है। इसमें जो शिक्षण विधियां हैं प्रभावशाली, वह है कक्षा परिचर्चा, मस्तिष्क उद्वेलन, शैक्षिक खेल, अनुरूपण, भूमिका निर्वहन, तकनीकी उपागम, समस्या मानचित्रण, केस स्टडी, कहानी कथन व वाद विवाद, पीयर इंस्ट्रक्शन जो होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन, सूझ समूह क्रियाकलाप इत्यादि आपके प्रमुख प्रभावशाली विधियां जिससे जीवन कौशल को डेवलप किया जा सकता है। चरण पूछे तो जो महत्वपूर्ण चरण है वो 3 हैं। जीवन कौशल का परिभाषीकरण व बढ़ावा देना पहला, दूसरा कौशल अर्जन को बढ़ावा देना एवं प्रदर्शन, तीसरा कौशल संवर्धन का रख रखाव एवं बढ़ावा देना या सामान्यकरण। इसका जो प्रमुख लक्ष्य पूछे तो सबसे प्रमुख लक्ष्य इसका यही है कि सारे सबका टीचर हो, स्टूडेंट हो, सबका जीवन कौशल विकास करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा किशोरावस्था आप जानते हैं कि संघर्ष और उतार चढ़ाव की अवस्था होती है, तो 10 से 18 वर्ष इसका बहुत फोकसली अगर पूछा जाए तो किशोर किशोर बालकों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जीवन कौशल। अगर कुछ मॉडल क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछ सकता है कि जीवन में बार बार किए जाने वाले अच्छे कार्य को क्या कहते हैं, तो वो है आदत। और अगर पूछा जाए जो शिक्षक व्यवसाय में परमावश्यक तत्व कौन सा है, तो वह है एम्पैथी, परानुभूति। और व्यक्ति में कौन सा जीवन कौशल नए एवं भिन्न तरीके से काम करने का मार्ग प्रशस्त करता है, तो इसका आंसर है आपका रचनात्मक सोच। निर्णय लेने के लिए क्या आवश्यक है, तो वो है विश्लेषणात्मक सोच। भावात्मक समझ के लिए सबसे आवश्यक क्या है, वो है सकारात्मक सोच। और अगर शिक्षा में सामाजिक दक्षता पूछा जाए कि इसका उद्देश्य है, तो इस प्रकार से कई जॉन डेवी ने ये कहा है। तो जो प्रयोजनवादी हैं जितने भी, और जितने भी ये प्रैक्टिकल जितने मनोवैज्ञानिक है, वो जीवन कौशल को डेवलप करने की बात हमेशा से उन्होंने की है। एकदम डायरेक्टली ये नाम नहीं लिया, लेकिन ये बताया कि जीवन कौशल का परिमार्जन किस प्रकार किया जाए और शिक्षा के क्या लक्ष्य आपके होने चाहिए।